हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेशन 3 ऑफ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन. इन सेशन 2 वी रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड अलजेब्रा ऑन द फंक्शन. इन दिस सेशन द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर आर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन. डोमेन एंड रेंज फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस in the session 3 or in the whole chapter. The important part of this chapter are finding domain and range. Two important function whose domain and range we find. Two important function, it means two types of function jinke hum domain aur range find karenge. Kaun se two types ke function hai? Ek to rational function. रैशनल फंक्शन हमने पढ़ा एफ एक्स बाय जी एक्स. एफ एक्स बाय जी एक्स मतलब न्यूमरेटर इज ऑल्सो अ फंक्शन, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स. रैशनल फंक्शन में हम बोलते थे कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए. तो हम एक तो रैशनल फंक्शंस मतलब इस टाइप के फंक्शंस का क्या फाइंड करेंगे, डोमेन एंड रेंज बोथ. और सेकेंड टाइप फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है तो हम कैसे डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, हम वो मेथड सीखेंगे. स्क्वायर रूट फंक्शन में रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो हमेशा कैसी वैल्यूज़ लेगा, पॉजिटिव. क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब वो फंक्शन डिफाइन नहीं है. इसलिए स्क्वायर रूट में हमेशा क्या कंडीशन होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है इट मस्ट टेक पॉजिटिव वैल्यूज. एंड इन रैशनल फंक्शन डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो. तो ये दो कंडीशन हमको हमेशा ध्यान रखनी है. फॉर रैशनल फंक्शन डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, एंड फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर रूट ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टू फाइंड द रेंज. फॉर रेंज वी ऑलवेज एक्सप्रेस फंक्शन इन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. फंक्शन हमको हमेशा वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन होता है. टू फाइंड रेंज वी कन्वर्ट या एक्सप्रेस इट इन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एफ एक्स. अगर फंक्शन है स्क्वायर रूट का है डिनोमिनेटर में तो एफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. क्यों? क्योंकि अगर इक्वल्स टू जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो. सो ये तीन बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस हैं. अगर सिर्फ रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो. स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वॉट एवर बी द फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर रूट इट टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू और कैन बी इक्वल्स टू जीरो. बट इफ स्क्वायर रूट इज इन डिविजन देन इट कैन नॉट बी जीरो, सो इट टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू. सो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या मेथड फॉलो करेंगे, ऑलवेज एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल. फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू. So, by seeing this, we can identify that this is a rational function. Numerator is also a function of x and denominator is also a function of x. So, agar ab humko domain and range find karna hai, so how we will start the question? We take function y equals to x minus 1 upon x minus 2. Starting with the domain, to define y meaning y ke define hone ke liye, y kab define hoga? Whenever, so to define y, denominator क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो what we will say, y के define होने के लिए denominator can never be zero. So x minus 2 cannot be equals to zero. It means x cannot be 2. So x belongs to real number minus 2. तो हम बोलेंगे कि x can take all values except 2. हमने rational function में सीखा था डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, जिस भी एक्स की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी जीरो वी रिमूव दैट पॉइंट फ्रॉम द डोमेन. सो रैशनल फंक्शन में डोमेन फाइंड करना बहुत ईजी है. रिमूव दैट पॉइंट फ्रॉम द डोमेन विच मेक्स द डिनोमिनेटर जीरो. सो टू डिफाइन वाई के डिफाइन होने के लिए एक्स माइनस टू कैन नेवर बी जीरो. सो एक्स कैन नॉट बी टू. इट मीन्स एक्स कैन टेक ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट टू. Now, how to find the range? Very important part. To find range,
वी स्टार्ट विथ अवर फंक्शन वाई इक्वल्स टू दिस. अब रेंज फाइंड करने के लिए मैंने क्या मेथड बताई, वी ऑलवेज कन्वर्ट फंक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. अभी क्या है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है. नाउ वी एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. सो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सो वाई इन टू एक्स माइनस टू वाई. दिस एक्स माइनस वन टेकन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स वी गेट वाई माइनस वन. ट्रांसपोजिंग दिस टूवर्ड्स द राइट इट विल बिकम टू वाई माइनस वन. तो अब हमारा फंक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस हो गया. स्टार्टिंग में किस में था, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. नाउ इट इज कन्वर्टेड इन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. सो अब फिर से अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन. तो अब हम बोलेंगे इस एक्स के डिफाइन होने के लिए कौन जीरो नहीं हो सकता, फिर से ये डिनोमिनेटर. तो अब जब हमको रेंज फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे दिस इज अवर फंक्शन. सो टू डिफाइन एक्स, इस एक्स के डिफाइन होने के लिए द डिनोमिनेटर वाई माइनस वन कैन नेवर बी जीरो. इट मीन्स वाई कैन नेवर बी वन. सो वाई कैन टेक ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट वन. सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर माइनस टू एंड रेंज इज रियल नंबर माइनस वन. तो रेंज फाइंड करना बहुत ईजी है, एक्सप्रेस फंक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. फिर हम चेक करेंगे अभी ये क्वेश्चन में, ये दिस इज अगेन अ रैशनल फंक्शन. सो रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो. सो वाई कैन नेवर बी वन. दिस इज अवर डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रैशनल फंक्शन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. दिस फंक्शन ऑल्सो इन रैशनल फंक्शन, दिस इज अ रैशनल फंक्शन. सो स्टार्टिंग विद द डोमेन, सेम मेथड वी विल फॉलो टू डिफाइन वाई. एक्स प्लस थ्री कैन नॉट बी जीरो. सो एक्स कैन नॉट बी माइनस थ्री मीन्स एक्स कैन टेक ऑल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर माइनस माइनस थ्री. सो एक्स कैन टेक ऑल वैल्यू एक्सेप्ट माइनस थ्री. Now we have to find range. We convert function y in terms of x. जो question है हमारा, हम उसको convert करेंगे x in terms of y. So again cross multiplication, transposing all terms towards the left side, taking x common, transposing this again towards the right side. So minus 3y minus 1. So x is equals to minus 3y minus 1 upon y minus 2. So now ye express ho gaya x in terms of y. Taking minus sign common, it will become 3y plus 1 upon y minus 2. Again it is a rational function. So what we will write, to define x, x ke define hone ke liye kya condition hogi, that y minus 2 can never be 0. So y minus 2 can never be 0. It means y cannot be 2. So y can take all values except 2. So x is domain which represent all real number except minus 3 and range is all real number except 2. Moving towards very important question, find domain and range of the function square root of 9 minus x square. This is very important 4 marker questions. One condition for the square root function is that y is always positive. Y sirf aur sirf kaisi value lega? Positive values. So we can see here that jo function humko define hai, usme y ki x koi bhi value le yahan pe, but y will always take positive value. So now how to find the domain and range of the square root function? We'll start our question with the domain to define y. Square root function में हमने क्या condition बोली थी कि root के अंदर जो भी function होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसी values लेगा? Positive. It means condition is that to define y को define होने के लिए 9 minus x square should be positive. So 9 minus square should be greater than or equals to 0. Now, जब भी quadratic होता है तो हम क्या करते हैं? Factorize. So 9 minus x square के factors क्या हो जाएंगे? 3 minus x, 3 plus x. Now, हम किसी को भी right side पे transpose नहीं कर सकते क्योंकि हमने inequality में क्या, हमको inequality के बारे में क्या पता है? Inequality में हम कोई भी number को इस तरह से transpose नहीं कर सकते. 3, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे.
सो नाउ नंबर लाइन में अगर हम देखेंगे तो 3 माइनस 6 का फैक्टर कौन है? 3। मतलब ये फैक्टर कब जीरो हो रहा है? व्हेन एक्स इज 3। और ये फैक्टर कब जीरो हो रहा है? व्हेन एक्स इज -3। अब मुझे डिसाइड करना है वो एक्स की वैल्यूज जिसके लिए ये पूरा फंक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। सो आई एम स्टार्टिंग विद, तो ये मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया -3 और 3। नाउ इफ आई टेक एनी नंबर ग्रेटर देन 3, इधर आई कैन टेक 3.1, 3.2, 4। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो 3 माइनस 3.1 दिस विल बी नेगेटिव। इफ आई राइट 4, 3 माइनस 4 नेगेटिव। सो एनी नंबर ग्रेटर देन 3 इफ आई टेक दिस इज नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। सो दिस होल फंक्शन विल बिकम नेगेटिव। और हमको तो कैसा चाहिए? पॉजिटिव। मतलब हमको ये एक्स की वैल्यूज नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ से हमको ये फंक्शन कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। माइनस 3 और 3 के बीच में अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ, लेट आई टेक 0, आई कैन टेक 1, 2, -1, वॉट एवर आई टेक दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि एक्स की जगह 0 रखा तो 3 माइनस 0 पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस होल विल बी पॉजिटिव। इफ आई टेक नंबर लेस देन -3 इट मे बी -4, सो दिस इज पॉजिटिव बिकॉज 3 प्लस 4 विल बी पॉजिटिव, बट 3 माइनस 4 अगेन नेगेटिव, तो दिस होल बिकम नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि x की सिर्फ कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? -3 to 3। सो व्हेन x कैन टेक वैल्यू, सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -3 to 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट क्वेश्चन में वन कंडीशन कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन है इट विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो वो डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि 3 पे वैल्यू अगर मैंने 3 पुट किया तो 0 हो रहा है, पर 3 से थोड़ा सा भी बड़ा पुट करूंगी इफ एक्स इज 3.1 तो वो 9 माइनस 9.1 हो जाएगा विच विल बिकम नेगेटिव। इसलिए x क्या वैल्यूज ले सकता है? सिर्फ -3 to 3। मैंने यहाँ पे कौन से ब्रैकेट लगाए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि -3 भी इंक्लूड किया है और 3 भी, क्योंकि यहाँ पे क्या था? इक्वल्स टू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेंज, y equals to this function is given to us. अब range find करने की क्या method होती है? सबसे पहले we have to convert function in x in terms of y. So हमने squaring कर दी दोनों तरफ, so x square is equals to 9 minus y square, so x is plus minus this. तो हमने सबसे पहले function को convert कर दिया x in terms of y में। अब x in terms of y में express करने के बाद हम बोलेंगे कि इस x को define होने के लिए, तो टू डिफाइन x रूट के अंदर फिर से कैसा फंक्शन आ गया? स्क्वायर रूट। अगर रैशनल आता तो हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बट अगेन फंक्शन फॉर्म्ड इज स्क्वायर रूट फंक्शन, सो वी विल से दैट 9 माइनस y स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। सो 9 माइनस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगेन द फैक्टर्स विल बी 3 माइनस 1, 3 प्लस y, सो वी विल गेट अगेन y वैल्यू इज -3 to 3। बट स्क्वायर रूट क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में बोला कि एक कंडीशन y पे शुरू से होती है कि वो सिर्फ कैसी वैल्यूज लेगा? पॉजिटिव। सो y ये आया, लेकिन एक कंडीशन शुरू से दैट y इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो व्हाट वी विल से दैट y बिलोंग्स टू, पहले -3 to 3 आया बट y टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए y कैन टेक ओनली वैल्यू फ्रॉम 0 to 3। सो डोमेन इज -3 to 3, रेंज इज 0 to 3। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx = x² + 2। हियर वी कैन सी दैट द फंक्शन, ये कोई रैशनल फंक्शन भी नहीं है ना ही कोई स्क्वायर रूट है। सो एज fx इज नॉट अ रैशनल फंक्शन नॉर अ स्क्वायर रूट फंक्शन, सो x कैन टेक ऑल वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखूँ y डिफाइन होगा, तो x कैन टेक ऑल वैल्यू। नाउ आई हैव टू फाइंड रेंज, तो रेंज फाइंड करने के लिए आई हैव टू कन्वर्ट द फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y, सो x² इज y - 2, सो x इज +√y - 2। अब कौन सा फंक्शन फॉर्म हो गया? ये स्क्वायर रूट फंक्शन। तो टू डिफाइन x, इस x को डिफाइन होने के लिए ये y - 2 हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन की क्या कंडीशन है? जो भी रूट के अंदर है टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सो y - 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इट मीन्स y बिलोंग्स टू 2 to infinity। इक्वल्स टू है इसलिए 2 पे कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इन्फिनिटी पे हमेशा हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? ओपन। सो डोमेन इज रियल नंबर,
बट रेंजेस 2 to infinity इंक्लूडिंग 2. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट. तो एक कंडीशन वाई पे शुरू से होगी दैट इट विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. सो वाई इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब वाई कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. स्टार्टिंग विद द डोमेन, डोमेन की अगर बात करें तो इस वाई को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इट मस्ट बी पॉजिटिव. सो एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दिस मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी. सो एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इट शुड टेक पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस इज अवर डोमेन. अब रेंज के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फंक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स इक्वल्स टू दिस. अब ये टू डिफाइन एक्स, ये फंक्शन अगर मैं देखूँ तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी नहीं है, ये रैशनल फंक्शन भी नहीं है. इसका मतलब वाई कैन टेक ऑल वैल्यूज, क्योंकि मैं यहाँ वाई की कोई भी वैल्यू रखूँ मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो वाई कैन टेक ऑल वैल्यूज, बट वाई पे एक कंडीशन शुरू से थी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू लेगा, पॉजिटिव. इसलिए वाई बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड डोमेन विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड अलॉट प्रैक्टिस. सो डोमेन और रेंज वेरी इंपॉर्टेंट 4 marker क्वेश्चंस आर दिस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ स्टार्टिंग विद दिस फंक्शन वी कैन सी दिस इज अ रैशनल फंक्शन. न्यूमरेटर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स. सो टू डिफाइन वाई, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0. सो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी माइनस 1. पर हम देख सकते हैं कि ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, इसलिए नो वैल्यू ऑफ x पॉसिबल जिसके लिए वो नेगेटिव हो. इट मीन्स x कैन टेक ऑल वैल्यूज, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमको कोई नंबर हटाना ही नहीं होगा. सो डोमेन इज द रियल नंबर. नाउ टू फाइंड द रेंज वी फर्स्ट कन्वर्ट द फंक्शन इन x इन टर्म्स ऑफ y. अभी हमारे पास फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, अब हम एक्सप्रेस करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y. सो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टेकिंग ऑल टुवर्ड्स द लेफ्ट. x स्क्वायर इज टेकन कॉमन, सो इट विल बी y माइनस 1, दिस प्लस y विल बिकम माइनस y. सो x स्क्वायर इज माइनस y अपॉन y माइनस y, दिस माइनस आई एम ट्रांसपोजिंग डिनोमिनेटर, सो इट विल बिकम 1 माइनस y. माइनस को मैंने ऊपर से कहाँ भेज दिया, नीचे, तो माइनस 1 बन गया प्लस 1, प्लस y बन गया माइनस y. अभी एक्स स्क्वायर है, हमेशा हम कैसे लिखते हैं, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट दिस. सो टू डिफाइन एक्स, अब इस एक्स के डिफाइन होने के लिए कैसा फंक्शन फॉर्म हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन. तो स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सिर्फ कैसी वैल्यू लेगी, पॉजिटिव. सो टू डिफाइन एक्स, वाई अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब फिर से कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाला फैक्टर कब, क्योंकि मैं इसको 0 में नहीं भेज सकती हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, मुझे नहीं पता. इसलिए y कब 0 हो रहा है, 0 पे. 1 माइनस y कब हो रहा है, 1 पे. 1 से बड़ा अगर मैंने कोई नंबर लिया, लेट इट बी 2, सो दिस इज पॉजिटिव. y को क्या रखा, 2, तो पॉजिटिव. बट 1 माइनस 2 इज नेगेटिव, तो ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव. तो ये हम नहीं ले सकते. 0 और 1 के बीच में इफ आई टेक 0.5, दिस इज पॉजिटिव. 1 माइनस 0.5 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो गया, तो हम ये ले सकते हैं. इफ आई टेक नंबर लेस देन 0 माइनस 0.5, सो दिस इज नेगेटिव. 1 प्लस 0.5 पॉजिटिव, तो ये फिर से नेगेटिव हो गया. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि y की सिर्फ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम, 0 टू 1, जिसमें मैंने 0 को इंक्लूड किया है क्योंकि 0 इज फ्रॉम न्यूमरेटर. पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब अगर y ने 1 वैल्यू ले ली, तो कौन 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर.
और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एक्स डिफाइन नहीं होगा, इसलिए वन को एक्सक्लूड कर दिया है. सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज जीरो, इंक्लूडिंग जीरो बट एक्सक्लूडिंग वन, जीरो टू वन. तो डोमेन इज रियल नंबर बट रेंज इज जीरो टू वन. फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स. माइनस मॉड एक्स हमने मॉड्यूलस फंक्शन सेकेंड सेशन में पढ़ा है. मॉड्यूलस फंक्शन क्या था? वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स. हमने देखा था कि मॉड फंक्शन में एक्स तो सारी वैल्यूज लेता है, बट वाई सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यूज लेता था? पॉजिटिव. आप याद कर सकते हो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे वी बनाया था हमने, जिसमें वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई लेता था, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई नहीं लेता था. सो अब मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स. सो मॉड्यूलस फंक्शन में वी विल ऑलवेज राइट मॉड्यूलस फंक्शन कैन टेक ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सो एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, सो एक्स इज रियल नंबर. नाउ फाइंडिंग द रेंज, एज वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन कैन टेक एनी वैल्यू, सो इट ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि मॉड हमेशा सिर्फ कैसी वैल्यूज लेता था? पॉजिटिव. सो मॉड एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी. बट अब हमको किसकी रेंज फाइंड करनी है? माइनस मॉड एक्स. तो मॉड्यूलस फंक्शन में हम एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस नहीं करते, उसकी मेथड हमेशा इसी तरह से फॉलो करेंगे. मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा जीरो टू इन्फिनिटी में लाई करेगा. सो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगा. तो जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपनी साइन क्या कर लेता है? चेंज. सो माइनस मॉड एक्स हो गया, इट विल बिकम माइनस जीरो एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी. तो हम बोल सकते हैं कि माइनस मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं. वी नो दैट टू इज लेस देन थ्री, बट इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ माइनस नंबर माइनस वन, सो दिस इनइक्वालिटी चेंज इट साइन. सो इसलिए हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी में जब भी हम माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनइक्वालिटी अपनी साइन क्या कर लेता है? चेंज. क्योंकि माइनस टू क्या है? बड़ा है माइनस थ्री से. सिमिलरली जब मैंने इधर तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी ने अपनी साइन क्या कर ली? चेंज. सो माइनस मॉड एक्स लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. सो रेंज ऑफ माइनस मॉड एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. लेट्स टेक अनादर क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन सो इट गेट मोर क्लियर. फॉर मॉड्यूलस फंक्शन एक्स कैन टेक ऑल वैल्यूज ऑलवेज, सो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. डिरेक्टली आई एम राइटिंग. नाउ फॉर द रेंज आई एम स्टार्टिंग विद दिस, दिस मॉड एक्स प्लस थ्री. क्योंकि अगर मॉड लग जाता है मतलब वो सिर्फ कैसी वैल्यूज लेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब जीरो टू इन्फिनिटी. अब मैंने माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी विल चेंज इट साइन. सो माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री विल लाई बिटवीन, इधर ये इनइक्वालिटी ने साइन चेंज कर ली और इधर इसने, और मैंने दोनों तरफ तीनों तरफ कराए. जीरो में माइनस का मल्टीप्लीकेशन डज नॉट मेक एनी चेंज. नाउ आई कैन री राइट दिस एज, पर मुझे फंक्शन क्या चाहिए? ये माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री तक तो मैं पहुंच गई हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस वन. सो एडिंग प्लस वन टू ऑल दी साइड्स, सो जीरो प्लस वन विल बी वन, दिस विल बिकम दिस एंड दिस. क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस वन विल रिमेन माइनस इन्फिनिटी. सो विल फाइंड दैट वन माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री, इसमें हम इस चीज को लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी. सो दिस कैन बी रिटर्न एज दिस, दैट दिस इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल्स, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन बट लेस देन इक्वल्स टू वन. यहां हम देख सकते हैं कि वन माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू वन. सो आई एम राइटिंग हियर. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू वन. सो इन दिस वे वी विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन लेट्स टेक अनादर क्वेश्चन. लेट एफ इज डिफाइंड एज दिस, बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड. डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स, डिटरमाइन ए एंड बी.
अ फंक्शन इज डिफाइंड टू अस लाइक दिस. इसमें क्या मीनिंग होता है? 1, 1 मीन्स वॉट? दैट वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड देन वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 1. तो सेम फॉर अदर्स. इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 2, देन वैल्यू ऑफ y इज 3. वैल्यू ऑफ x इज 0, वैल्यू ऑफ y इज -1. सो बाई यूजिंग दिस वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b. वी हैव गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी. इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एंड दिस फंक्शन सेटिस्फाई ऑल दिस ऑर्डर्ड पेयर्स. इट मीन्स 1, 1 सेटिस्फाई दिस फंक्शन. सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ एक्स इज 1, इन प्लेस ऑफ वाई इज ऑल्सो 1. सो दिस विल बिकम 1 टू ए प्लस बी एंड हियर एक्स कैन बी रिटर्न 2 बिकॉज वेन एक्स इज 2 वाई इज 3. सो एक्स इज 2 देन वाई इज 3. So we have two equations and two variables, so we can easily find by subtracting these two equations, we get value of a as 2. Substituting a to any of the value, we will get value of b. So this is our function y equals to 2x minus 1. हमने इन दो पॉइंट्स को पुट करके फंक्शन फाइंड किया, मतलब ये दोनों पॉइंट्स भी तो सेटिस्फाई करने चाहिए फंक्शन को. हम चेक कर सकते हैं व्हेन एक्स इज 0 देन वाई इज -1. सो आई एम पुटिंग हियर एक्स इज 0 देन व्हाट इज वाई कमिंग? इट इज -1. सो इट इज करेक्ट. सिमिलरली व्हेन एक्स इज -1 वाई इज -3. सो व्हेन एक्स इज -1 सो -2 -1 सो वाई इज -3. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let f be the subset of z cross z defined by a function is defined as ab, a plus b where a and b both belongs to integer. दोनों क्या होने चाहिए? Integer. और जो function है from integer to integer ही है. अब हमको justify करना है whether this is a function or not. So let I am taking a is 1 and b is 6. Both are integers. So what will be the ordered pair? 1 into 6 and 1 plus 6. So this will become 6, 7. I am taking another let a is 2 and b is 3. So I am getting 2 into 3 and 2 plus 3. So it becomes 6 and this will become 5. Here we can see that in this function there are two ordered pairs. 6 ki bhi image kya form ho rahi hai? 6 ki image 7. Aur 6 ki hi image kya form ho rahi hai? 5. So we see that element 6 have two images 7 and 5, so it is not a function. तो ये function नहीं होगा क्योंकि हमने function की definition ही यही पढ़ी थी कि one element cannot have two images. तो यहाँ पे 6 की कितनी image form हो गई? 2. इसलिए function नहीं होगा. Moving towards the last question, let a is equals to this. Let f from a to n be defined by f of n the highest prime factor of n. So highest prime factor meaning 9 mein highest prime factor kaun hai? 3. To function kaisa form ho gaya? 9, 3. 10 ka highest prime factor is 5. 11 mein highest prime factor is 11. 12 mein highest prime factor is 3. Kyunki uske factors dekhoge to 2, 3, 4, 6, 12. So highest prime factor is 3. एंड 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 13. सो मैंने यहाँ पे ये सब क्या लिखे है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर. सो ये फंक्शन फॉर्म हो गया. और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? द सेकेंड एलिमेंट कम्स इन द रेंज. सो दिस इज द रेंज ऑफ द एलिमेंट. 3 दो बार आ रहा है बट आई एम राइटिंग दिस इज 1 टाइम ओनली. सो दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन. सो इन दिस सेशन वी रेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द functions.